मनीष कश्यप की मां ने लगाई राष्ट्रपति से गुहार, पत्र में लिख कर दिया एक मां के दिल का हाल। बेटे को न्याय दिलाने की लगाए बैठी है उम्मीद, कहा राष्ट्रपति महोदया समझेंगी एक मां की जिद। मनीष कश्यप भले ही इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन जो तकलीफ और पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, उसी तकलीफ से या फिर उससे भी ज्यादा तकलीफ और पीड़ा से इस वक्त एक माँ का दिल तड़प रहा है। जब बच्चे को कोई दुख होता है, कुछ परेशानी होती है, तो उसका असर उसकी माँ भी महसूस करती है। मनीष कश्यप की माँ लगातार कई महीनों से उम्मीद में है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा, सच की जीत होगी और फिर से मेरा बेटा मेरे वापस लौट आएगा। वहीं कई पर्व त्योहार बीत चुके हैं, मौसम बदल गया है, लेकिन बेटे के निकलने की खबर नहीं मिल रही। ऐसे में अब मां ने उस कोशिश को भी आजमाया जिससे शायद मनीष कश्यप को राहत मिल जाएगी। दरअसल मनीष कश्यप की मां ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक पत्र लिखकर गुहार लगाई है। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि राष्ट्रपति भी एक महिला है और एक मां ही मां की तकलीफ को समझेगी और मेरे दुख को जानकर जल्द से जल्द न्याय देंगी। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप की मां ने जो पत्र लिखा है वह आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है और उन्होंने इसमें मनीष कश्यप पर लगे NSA को हटाने की मांग की है। वहीं एक और बहुचर्चित मुद्दा का भी जिक्र है। इस पत्र के विषय में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पत्र MK स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन के बयान को लेकर भी है। मनीष कश्यप की मां ने उस पत्र में जहां अपनी आपबीती सुनाई, जहां अपना दुख साझा किया, वहीं उन्होंने उन सारी जानकारी को भी बताया है कि जिस वजह से उनके बेटे को अपने घर से कई हजार किलोमीटर दूर रहना पड़ा, जेल में वक्त बिताना पड़ा, प्रताड़ना झेलना पड़ा, NSA जैसा आरोप लगा दिया गया, वो मुद्दा ऐसा था जिस पर देश की प्रिंट मीडिया कई बड़ी हस्तियों ने पहले ही आर्टिकल और ट्वीट लिख रखा था। आगे उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर आरोप है कि उसके वीडियो के कारण दो राज्यों में द्वेष फैल रहा है, मतभेद बढ़ाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो मामला उदय निधि स्टालिन का है, उनके बयान के बाद तो देश भर में दंगे हो सकते थे, धर्म को लेकर लोगों में नफरत बढ़ सकता था, फिर उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब संविधान एक है, कानून एक है, तो दो अलग अलग लोगों पर कार्रवाई अलग अलग क्यों? वहीं इस पत्र के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ये पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ लगेगी, वैसे ही इस पत्र को पढ़ने के बाद उनका दिल भी पसीज जाएगा और वो न्याय का साथ जरूर देंगी।